नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेकर। अब सभी जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच अभी जॉइंटली एक एरो इंजन को डेवलप करने की लगभग सभी फॉर्मेलिटी को पूरा कर लिया गया। अभी सफरान और जीटीआरई के बीच इसको लेकर जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी इसी साल के अंत तक फाइनल कर दिया जाएगा, जिसमें अभी एक 110 किलोटन क्लास की इंजन को बनाया जाएगा, लेकिन सेम इंजन की कोर को आगे चल के 130 किलोटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर हमको एक और इंजन को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़े। और अभी ये भी बताया गया कि इसकी एक स्केल डाउन वर्जन को भी बनाया जाएगा, जो कि लगभग 75 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगी और ये एक ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट होने वाली, जिसको शायद फ्यूचर में हमारे यूसी में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इसको बनाने में भी काफी टाइम लगने वाला है। अभी एचईएल की तरफ से बताया गया कि वो आगे चल के जीटीआरई और सफरान से लगभग 1000 एरो इंजन को खरीदने वाले, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में टोटल 120 एमका को इंडक्ट करने का प्लान किया गया, जिसमें से 40 जो होंगे वो मार्क 1 वर्जन होंगे और 80 जो होने वाले वो मार्क 2 वर्जन होने वाले, जिसमें से इनिशियली जो 40 एमका खरीदे जाएंगे उसमें G414 INS6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में इनको हमारी इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। और साथ ही एमका की जो मार्क 2 वर्जन होने वाले हैं उसमें हमारी इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक एमका की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान इसमें 6 बार इंजन को चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एमका फ्लीट के लिए हमें 600 से 700 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, और इसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में और तेजस मार्क 2 में भी इंजन की जरूरत पड़ने वाला है। तो इस वजह से अभी ऐसे ही 1000 इंजन को खरीदने का प्लान बनाया गया, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के ऑर्डर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेकर। आप सब जानते हैं कि INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और अभी इसकी लगभग 3 ट्रायल को कंप्लीट किया आ चुका था, जिसमें पहले वाले ट्रायल के दौरान इसकी बेसिक प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया था, दूसरे ट्रायल के दौरान इसकी एविएशन इक्विपमेंट को टेस्ट किया गया था और थर्ड ट्रायल के दौरान इसकी एविएशन इक्विपमेंट की टेस्टिंग की गई थी। और अभी नेवी की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक 2 जुलाई से INS विक्रांत की 4th सी ट्रायल को शुरू किया गया था। इस दौरान इसकी लगभग सभी मेजर इक्विपमेंट की टेस्टिंग की गई थी और ये शायद इसकी आखिरी ट्रायल होने वाली, जिसके बाद इसको इंडियन नेवी में कमीशन करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। अभी इसकी बेसिक प्रोपल्शन सिस्टम से लेके सिप्स के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेसिक मशीनरी इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग सिस्टम और नेविगेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट किया जा चुका है। और अभी इसकी रीसेंट ट्रायल के दौरान इस पर MiG-29 के फाइटर जेट को भी डिप्लॉय किया हुआ दिखाया गया था। अभी प्लान के मुताबिक 15 अगस्त को ही नेवी में इसको ऑफिशियली कमीशन किया जाने वाला है और इसे इसी महीने के 22 तारीख को ही नेवी को हैंडओवर किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। द हिंदू की तरफ से पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन आर्मी की एविएशन विंग में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, और वैसे भी आर्मी में इसको बड़ी मात्रा में शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इनिशियली लिमिटेड नंबर में 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए HAL को ऑर्डर दिया गया था, जिनको बोथ आर्मी और एयरफोर्स में डिवाइड करके इंडक्ट किया जाएगा। इनमें से 5 इनिशियली आर्मी को डिलीवर किए जाएंगे और 10 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स में टोटल 65 और इंडियन आर्मी में करीब 114 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने का प्लान किया गया। इसी बीच आर्मी की तरफ से अभी 1 जून को अपनी पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन को तैयार कर लिया गया। ये अभी बेंगलुरु पर बेस है, लेकिन आगे चल के जैसे ही पहला स्क्वाड्रन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको लद्दाख में शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी ऐसे टोटल 7 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट को तैयार करने का प्लान किया गया, जिसमें से हर एक यूनिट में 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद होने वाले हैं और ये सभी के सभी ईस्टर्न कमांड के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी आर्मी के लिए 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए भी US के साथ एक डील को फाइनल किया गया था, लेकिन इनकी डिलीवरी भारत को 2024 के बाद ही मिलने वाली है। इसी बीच आर्मी की तरफ से अपनी एविएशन विंग को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की वेपनाइज्ड वर्जन यानी कि रुद्र हेलीकॉप्टर की लगभग 75 यूनिट को अपनी सर्विस में शामिल किया जा चुका है, और अभी इसे करीब और 25 एडिशनल हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया गया, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वर्जन होने वाले, और इन सभी को आने वाले 2 सालों के अंदर आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट एक नई VVR मिसाइल को लेकर। तो अभी टर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
टर्की की तरफ से अभी अपनी पहली इंडिजिनस बीवीआर मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का नाम गुकदुगान है और इसको टर्की की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल की तरफ से डेवलप किया गया। इस मिसाइल को टर्की की तरफ से अपनी गोकतुक प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा था और बताया गया कि ये मिसाइल करीब 60 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अंदर एक और मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा था जिसका नाम बोसदुगान था और ये हीट सीकिंग मिसाइल होने वाली थी। इनको इनिशियली 2013 में डेवलप करना शुरू किया गया था जिसमें गोकतुक प्रोजेक्ट के अंदर ही दो मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था और अभी इसी साल के अंत तक इनको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने की बात टर्की की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के साथ ही टर्की भी अभी उन देशों के लिस्ट में आ चुका है जिनके पास खुद की वीवीआर मिसाइल मौजूद है। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है कि ये मिसाइल आगे चल के पाकिस्तान खरीदने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बीच वैसे ही बहुत अच्छे रिलेशन है, तो पाकिस्तान शायद इस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है। वैसे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी इस मिसाइल को खरीदने में इतना इंटरेस्ट दिखाने वाला है, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के पास PL-12 और PL-15 जैसे मिसाइल मौजूद और जल्दी उनको PL-15 मिसाइल भी मिलने वाली है जिनकी रेंज गोकदुगान मिसाइल के मुकाबले लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा बेहतर है। तो इनको आगे चल के शायद ही पाकिस्तान खरीदने वाला है। लेकिन एक बात आप सब लिख के रख लीजिए कि अगर इसे पाकिस्तान खरीदता है तो पाकिस्तान के जितने भी मीडिया और यूट्यूब चैनल मौजूद है वो सभी इस मिसाइल को आगे चल के भारत की अस्त्र मिसाइल से बेहतर बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।